बिग बॉस 16 अपने आखिरी पड़ाव पर है। ऐसे में हर कोई अपने पसंदीदा कंटेस्टेंट के बारे में छोटी से छोटी बात जानना चाहता है। इसी क्रम में आज हम आपको फैंस के दिलों पर राज करने वाले पॉपुलर रैपर एमसी स्टेन के बारे में बताने जा रहे हैं। बिग बॉस 16 का फिनाले चल रहा है। 1 अक्टूबर की रात को शुरू हुए इस शो ने 4 महीने से ज्यादा लंबे सफर के जरिए दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। अब दर्शकों को सीजन 16 के विनर का बेसब्री से इंतजार है। हर कोई अपने फेवरेट कंटेस्टेंट के सिर पर विनर का ताज देखने के लिए बेताब है। तो चलिए बिना देर किए आज हम आपको फैंस की जुबान पर हमेशा रहने वाले मोस्ट पॉपुलर रैपर एमसी स्टेन से जुड़े कुछ दिलचस्प बातें बताने जा रहे हैं। बिग बॉस 16 के कंटेस्टेंट एमसी स्टेन का असली नाम अल्ताफ शेख है। वह पुणे के रहने वाले हैं। बचपन से ही स्टेन का ध्यान पढ़ाई में कम गानों में ज्यादा ध्यान रहता था। स्टेन ने मात्र 12 साल की उम्र से कव्वाली गाने से शुरुआत की थी। वह मशहूर रैपर रफ्तार के साथ भी परफॉर्म कर चुके हैं। एक समय ऐसा भी था जब स्टेन के पास पैसे नहीं थे और उन्हें सड़कों पर रातें गुजारनी पड़ी। एमसी स्टेन ने हिम्मत नहीं हारी और फर्श से अर्श तक पहुंचे। एमसी स्टेन ने अपने गानों के जरिए अपनी जिंदगी कहानी बताई और लोगों का नजरिया बदला। इसके बाद उन्होंने अस्तक फिरू अल्लाह गाना रिलीज किया था। इस गाने में उन्होंने अपने संघर्ष की कहानी सुनाई थी। एमसी स्टेन ने वैसे तो कई गाने गाए लेकिन उन्हें वाटा गाने से पॉपुलरिटी मिली थी जिसे यूट्यूब पर करीब 21 मिलियन व्यूज मिले थे। एमसी स्टेन को इंडिया का टुपाक कहा जाता है। बता दे कि एमसी स्टेन हिप हॉप इंडस्ट्री में जाना माना नाम बन चुके हैं। हिप हॉप में आने से पहले वह बीट बॉक्सिंग और बी बॉइंग करते थे। एमसी स्टेन सिर्फ 23 साल के हैं और इतनी कम उम्र में ही वो काफी पैसा कमा रहे हैं। एमसी स्टेन ने बताया कि उन्होंने सिर्फ 3-4 साल के अंदर ही इतना नाम और रुपया पैसा कमाया है। एमसी स्टेन की नेटवर्थ 50 लाख के आसपास है। वो हर महीने अपने गानों और यूट्यूब और कॉन्सर्ट से लाखों रुपये कमाते हैं।